ओपनिंग करने के लिए अमित शाह आए। अभी हम लोग आ गए संतोष मित्रा स्क्वायर, तो यहाँ पर लाल किला बन रहा है, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो जैसे कि, तो अच्छा तरह से अभी हम लोग अंदर जाते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो आज हम लोग देख सकते हैं नया व्लॉग स्टार्ट कर दिया, और कल के वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था हम लोग गए थे कॉलेज स्क्वायर जहाँ पे बना था अपना वहाँ पर वृंदावन, तो आज हम लोग कवर करने वाले यहाँ पर संतोष मित्रा स्क्वायर में, और यहाँ पे हम लोग अभी आ गए बाहर में अभी खड़े हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं, यहाँ क्या बना रहा है आपको अंदर चल के अच्छे तरह से बताते हैं। और कल के वाले व्लॉग में भी तो देखा होगा अच्छा तरह से हम लोग वृंदावन कवर किए थे, और आज हम लोग अभी आ गए संतोष मित्रा स्क्वायर में, यहाँ कवर करेंगे, यहाँ पर लाल किला बन रहा है, पीछे बन ही रहा है आप लोग देख सकते हो, ये संतोष मित्रा स्क्वायर है, अंदर एंटर करते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं अभी हम लोग आ गए संतोष मित्रा स्क्वायर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये रास्ता लग ही नहीं रहा, इतना ज़्यादा खाली है अभी यहाँ पर, और इतना ज़्यादा यहाँ पर क्राउड होता है कि समझ में नहीं आ रहा कि ये रास्ता हम लोग लेबूतल्ला में आए हैं। यहाँ पर आज पंडाल को आपको अच्छे तरह से दिखाने के लिए वो रहा वहाँ पर अपना जो बन रहा है लाल किला अपना बन रहा है, अंदर एंटर करते हैं उसके बाद फिर आपको अच्छे तरह से दिखाते हैं। लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड होता है, लोग इतना यहाँ इसको देखने आते हैं, इतना फाँका अभी पूरा रास्ता लग रहा है, लोग अभी बाहर बाहर से भी आके ऐसे देख रहे हैं अच्छा तरह से, इसको हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर कवर, पूरा मार्ट टाइप है ना इसको, इसीलिए यहाँ पे खाली पूरा अच्छा जगह मिल गया यहाँ पे इसको बनाने का, पूरा मार्ट टाइप हो रहा है ना यहाँ पर, इसको अच्छा तरह से अभी बनाया जा रहा है, अच्छा तरह से अभी बना नहीं है पंडाल, अभी बहुत बाकी है। तो यहाँ पर लाल किला बन रहा है, यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो जैसे कि, तो अच्छा तरह से अभी हम लोग अंदर जाते हैं उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आदर्श भी अपना आ गया है, और आदर्श हम लोग आज कवर करने वाले हैं लाल किला, जो कि दिल्ली का बहुत ही फेमस है, और काफी भीड़ होता है यहाँ, लग नहीं रहा है यहाँ रास्ता में पूरा हम लोग ऐसा पूरा ये है वो हरी पूजा में पूरा हर, चलो आदर्श हम लोग अभी चलते हैं अंदर अच्छे तरह से पूरा कवर करेंगे। एक बार क्या करते हैं आप लोग को पूरा अच्छा से ओवरव्यू दे देते हैं टाइम लैप्स के जरिए, आप लोग पहले टाइम लैप्स एंजॉय करो उसके बाद फिर अंदर हम लोग चलते हैं। जैसे कि देख सकते हैं अभी हम लोग आ गए संतोष मित्रा स्क्वायर में, और यहाँ पर अपना बन रहा है लाल किला, तो ओवर भी आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखा देते, काफ़ी अभी यहाँ पे काम बाकी है, जैसे कि आप लोग मेरे पीछे आप लोग देख ही सकते हैं अभी पूरा वर्क अभी जो है ना पूरा अभी काम हुआ है, अभी मोस्टली अभी 70% अभी और बाकी है, मतलब काम अभी पूरा डेकोरेशन का भी पूरा काम बाकी है, लाइटिंग का पूरा काम बाकी है। तो देखते हैं अगर यहाँ पे कोई वर्कर लोग से अगर बात करने को अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो वर्कर्स लोग के साथ भी आपको अच्छे तरह से दिखाएंगे। एक बार आप लोगों को ओवरव्यू सबसे पहले यहाँ का दे देते क्या क्या यहाँ पे बन रहा है, वहाँ पे देख सकते हो लोग यहाँ आके अभी देख रहे हैं, हम लोग वहाँ से एंटर किए थे ग्राउंड में यहाँ पर, और पैंडल यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ पे पैंडल पूरा ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो ऊपर में जो बन रहा है, सो लाल किला का स्ट्रक्चर जो है ना यहाँ पर ये दिया जा रहा है, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पूरा रेड पूरा टाइप इसको बनेगा और काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। अभी धीरे धीरे पूरा अभी काम कर रहे हैं वर्कर्स लोग यहाँ पर, देखते हैं अंदर जाके आप लोगों को अच्छे तरह से अंदर दिखाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर वर्कर लोग से थोड़ा बात करने के लिए, क्या डिज़ाइन बन रहा है कैसे क्या बन रहा है, एक बार चलते हैं अंदर फिर आप लोग को दिखाते हैं। तो अभी हम लोग आ गए एक वर्कर से, यहाँ पर अभी डिजाइनिंग चल रहा है, तो इन्हें की होते हैं এখানে কোথায় লাগবে ডিজাইন সব ভেতরে সিলিং ওয়াল হ্যাঁ সব বড় বড় ঝাড় হবে আচ্ছা আচ্ছা এইকে ঝাড় হবে ওকে তো এই ডিজাইন পুরো কর রই আপলোক দেখ সকতে এই ফোম কা ইয়া পর হ্যায় ইসকো এই পুরা পুরা ফোম কা হ্যায় না পুরা ইসমে লাগেগা আচ্ছা তরহ সে আর আপলোক কা কা সে হ্যায় ভাইয়া दीघा से देख रहे हो भाई गाइस कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ काम करने के लिए, सब कोई दीघा से यहाँ मेदनीपुर से कोई है, और रात रात भर आप लोग यहीं रह के काम करते हो ना, कोई रात को तक काम करते हैं हर दिन रोज 1 बजे तक काम करते हैं, और डिजाइनिंग अभी चल रहा है मेन, ये जो टफेस्ट अभी जॉब है ना इसको डिजाइन करना और इसको अच्छे तरह से यहाँ पे लगाना, तो ये मेन अभी काम है यहाँ पर, तो काफी अच्छा तरह से अभी यहाँ पे वर्क चल रहा है, और यहाँ डिजाइन यहाँ पे कट रहा है, इसको फिर चिपकाना पड़ रहा है, चिपका के फिर ये कैसे लगेगा, अच्छा थोड़ा कुछ है क्या सैंपल, तो भैया अभी दिखा रहे कैसे लगेगा क्या, अच्छा ये इसके ऊपर लगेगा चिपक जाएगा, बहुत ही सही लग रहा है, और जैसे फ्लावर टाइप हो जाता है वैसे बन जाएगा ना, तो फ्लावर टाइप जैसे होता है इसके नीचे, हाँ ये देखिए गाइस ऐसा पूरा लगेगा, इसमें पेस्टिंग हो जाएगा ना सब जगह पूरा पूरा वॉल में, आप लोग देख सकते हो यहाँ जो जो वॉल है पूरा इसमें पेस्टिंग हो जाएगा, और बाहर से क्या क्या हो रहा है बाहर में तो लाल किला का जैसा लाल किला में जैसे बनता है ईटा टाइप का, थोड़ा जैसे डिजाइन है वैसे ही होगा, ज्यादा डिजाइन नहीं लगेगा, खाली अंदर के लिए अंदर में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी कितना कब से आप लोग काम कर रहे हैं, हम लोग 15 दिन हो गया, अच्छा 15 दिन, ये मतलब इसको स्टार्ट किए कब से, स्टार्ट हो गया 1.5 महीने के पहले, 1.5 महीने से, और अभी कितना टाइम लगेगा, अभी तो माल्या में छोड़ेगा, माल्या के दिन ओपनिंग होगा ना इसका, तो अभी माल्या के दिन अभी पूरा काम अपना जोरों शोरों से अभी चल रहा है, माल्या के दिन इसका ओपनिंग है, फोम आप लोग देख सकते हैं कितना सारा यहाँ पर रखा हुआ है,
और मेन अभी डिजाइनिंग का काम है, जैसे कि भैया बोले कि बाहर जो है ना ज्यादा उतना काम है नहीं, बस अभी यहाँ पे जो इंटीरियर है मेन यहाँ पे डिजाइनिंग का काम है, इसमें खाली टाइम लगता है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे कूलर भी चल रहा है क्योंकि काफी गर्मी हो रहा है अभी हम लोगों को, मस्त काम अपना चल रहा है। और हाँ, डिजाइनिंग यहाँ डिजाइनिंग बोर्ड है, ये भैया कर रहे हैं इसको, तो देख सकते हो यहाँ पर इसी को अच्छा तरह से, जैसे हम लोग बचपन में करते थे ना स्केल से डिजाइन कर करके हम लोग काटते थे, वैसे ही डिजाइन फोम में अभी इसको पूरा अच्छा तरह से काटा जा रहा है। और उसके बाद जो है उसका फोम का पूरा निकल जा रहा है, उसके बाद फिर पेस्टिंग हो रहा है वहाँ पर, फ्लावर पेस्टिंग हो रहा है, वो काफी अच्छा तरह से वर्क कर रहे हैं भैया लोग। तो भाई यहाँ पे काफी गर्मी हो रहा है, यहाँ पर कूलर भी अपना रखा हुआ है, बहुत गर्मी है और यहाँ गर्मी के लिए यहाँ पर कूलर रखा हुआ है, काफी ठंडा अभी थोड़ा लग रहा है यहाँ पर। भैया लोग आए दीघा से, आया कोई मिदनीपुर से, आया बहुत दूर दूर से आकर यहाँ पे रहते हैं, रात को 1-2 बजे तक काम करते हैं। और फिर से अभी पूरा वर्क, अभी मेन जो है ना डिजाइनिंग का भी पूरा काम अपना चल रहा है, तो बस जैसा है आपको पूरा अभी दिखा रहे। और महल्ले के दिन जो इसका ओपनिंग अभी कंफर्म अभी हुआ नहीं है, महल्ले के दिन ही हमको लग रहा है कि इसका ओपनिंग होने वाला है, देखते क्या होता है, जैसा होगा फिर आप लोगों को आगे बताएंगे। चलिए बाहर चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ओपनिंग करने के लिए अमित शाह, अभी अमित शाह अभी आ रहे हैं यहाँ पे ओपनिंग करने के लिए, महल्ले के दिन ना 26 सितंबर और भी 5 दिन लगेगा इसको डिजाइन करने में, चिपकाने में 5 दिन लगेगा, बनाने में कितना टाइम लगा? तो अभी तो चल ही रहा है, 15 दिन से अभी चल रहा है, और भी 5 दिन लगेगा, अभी 5 दिन लगेगा पूरा इसको पेस्टिंग करने में। भैया को अपना चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे हैं, तो भैया बोले कि क्या नाम है चैनल का, वीडियो आप लोगों को देखेंगे तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दे रहे। हम लोग पैंडल से बाहर निकल के आ गए यहाँ के, इनके बैक साइड में आप लोग देख सकते हैं पीछे का एरिया, यहाँ से अभी हम लोग गए थे अंदर, और बैक साइड में आप लोग देख सकते हैं पैंडल का पूरा काम अभी चल रहा है। बाहर का तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ऑलमोस्ट अभी हो ही जाएगा, 3-4 दिन में बोल रहे हैं भैया। और मेन अभी डिज़ाइनिंग का काम है, जो अंदर पेस्टिंग का काम है वो अभी मोस्टली अभी इसमें टाइम लगने वाला है, तो उसी में ज़्यादा टाइम लगेगा, यहाँ पर उतना ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पैंडल का पूरा काम है, मतलब काफ़ी अच्छा तरह से कि इसको मजबूत बनाया गया है कि ताकि जो उसका जो वेट है ना अच्छा तरह से इसको यहाँ पे पूरा फैल जाए वेट जो है। तो यहाँ पे हम लोग जो अंदर से हम लोग जब आएंगे ना बाहर से, तो एंटर हम लोग करेंगे यहाँ से, आपको दिखा देते पहले, तो हम लोग जब बाहर से जब हम लोग आएंगे ना देखने के लिए, तो यहाँ से हम लोग एंटर करेंगे पैंडल के अंदर, और यहाँ पर दुर्गा माँ का जो है ना मूर्ति यहाँ पर ही पूरा लगेगा, और इसके ऊपर तो हम लोग जा नहीं सकते, यहीं से हम लोग को देखकर फिर यहाँ से निकल जाना पड़ेगा, इसे हम लोग एंटर करेंगे और फिर वहाँ से हम लोग एग्ज़िट करके निकल जाएंगे। काम अभी पूरा अच्छा तरह से चल रहा है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, अच्छा यहाँ पर डिज़ाइनिंग है, यहाँ पर देख सकते हो कार्डबोर्ड का जो है ना, कार्डबोर्ड का काफ़ी अच्छा तरह से इसको डिज़ाइन किया गया, जो कि ये अंदर अभी लगने वाला है यहाँ पर। और यहाँ पर काम अब बहुत पूरा पूरा जो गार्डन है ना, पूरा गार्डन आप लोग देख ही सकते हो, पूरा यहाँ पर काम अपना पूरा अभी हो रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो काम यहाँ पे जो चल रहा है ना, ये अंदर का यहाँ पे काम हो रहा है, और जो बाहर में जो काम हो रहा है ना वो आपको चल के आपको दिखाते हैं बाहर। भाई ये गेट काफ़ी मतलब यूनिक है, इसमें आपको संभल के जाना होगा। तो वहाँ पे आप लोग देखे थे, वहाँ पे जो अंदर आप लोग देख सकते हो वो अंदर का काम चल रहा था, और यहाँ का जो काम हो रहा है वो इस साइड में हो रहा है। तो यहाँ पर भैया लोग यहाँ पर भी ये काम कर रहे हैं, एक बार चलते हैं आपको अच्छे तरह से दिखाते हैं वहाँ जाकर। यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हो बोर्ड और यहाँ पर काफ़ी बढ़िया से इसको सजाया जा रहा है, और इसके ऊपर लग रहा है ऑलरेडी स्टार्ट हो गया यहाँ पर इंस्टॉलेशन, आप लोग देख ही सकते हो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। मतलब अब 2-3 दिन के बाद अगर आएंगे ना तो पूरा काफ़ी अच्छा तरह से ये लग जाएगा, और पूरा लाल किला जैसे आप लोग देखे होंगे लाल किला कैसा होता है, पूरा एकदम मस्त लगेगा कि जब बन जाएगा ना पूरा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो उसी को यहाँ पे मनाया जा रहा है पैंडल के रूप में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ का जो काम हो रहा है ना वो यहाँ पर भैया लोग इसको यहाँ पर अच्छा तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं, तो डिज़ाइनिंग का काम और कटिंग का काम यहाँ पर पूरा हो रहा है, यहाँ पर जो बाहर का जो यहाँ पर हो रहा है। Thank you.
देख सकते हो यहाँ पे जो बाहर का जो काम हो रहा है ना वो यहाँ पे हो रहा है और यहीं पे पूरा इंस्टॉल होके एक ही बार बाहर जाके इसको वहाँ पे जो लग जा रहा है, कटिंग वटिंग का जो काम हो रहा है पूरा अच्छा तरह से यहीं पे कटिंग हो रहा है और यहीं पे पूरा लग कर बाहर जा रहा है और वहाँ पे फिर इंस्टॉल हो जा रहा है। आपको दूर से एक बार वाइड एंगल लेंस में आप लोग को दिखाते हैं, ये देखो भाई कितना सही लग रहा है, मतलब आप लोग देख सकते हो दूर से कितना काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक बार जब बन जाएगा ना तो भाई फिर हम लोग आएंगे यहाँ पे आपको दिखाएंगे, तो उसके बाद देखना लाइटिंग वेंटिंग जब लगेगा ना तो भाई एक नंबर लगेगा। तो चलते हैं भाई, अभी और कुछ है नहीं यहाँ पर दिखाने को, ये झूमर उमर है जिसमें लाइटिंग लगेगा, लाइटिंग का काम अभी पूरा बाकी है और रात भर पूरा काम अपना हो रहा है। तो हम लोग चलते निकलते हैं यहाँ से, ज़्यादा कुछ है नहीं आप लोग को दिखाने को, जितना कुछ दिखाना था हम लोग ने पूरा अच्छे तरह से इसको दिखा दिया। तो चलिए निकलते हैं हम लोग एक ही बार यहाँ से। जी तो गाइस, तो वहाँ संतोष मित्रा स्क्वायर से आने के बाद हम लोग व्लॉग ज़्यादा बनाए नहीं, मतलब ज़्यादा उसके बाद हम लोग कुछ शूट नहीं किए, जस्ट हम लोग घर आए और फिर हम लोग टायर्ड हो गए, तो इसलिए व्लॉग को उतना कंटिन्यू किया और व्लॉग को हम लोग एंड भी नहीं किए। तो चलिए इस वाले व्लॉग को हम लोग एंड करते हैं। और आपको अच्छा लगा होगा संतोष मित्रा स्क्वायर का दुर्गा पूजा पैंडल जो कि वहाँ रेड फोर्ट थीम बन रहा है वहाँ पर, अगर अच्छा लगा तो जरूर से वीडियो को लाइक करना, ऐसे और भी नए नए पैंडल व्लॉग्स आते रहेगा तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।